ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज उत्तराखंड। एसएसपी उद्धम सिंह नगर के नशा मुक्त अभियान को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां एसओजी की टीम ने आगामी विधानसभा चुनाव में प्रयोग होने वाली 1.5 करोड़ की शराब और बियर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिससे शराब माफियों में हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई से अखबारी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और एसएसपी ने अखबारी विभाग पर कार्रवाई की बात भी की है। बरामदगी में हमारा जो एसओजी परिवार यहाँ कमलेश के बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनकी टीम है, इसमें हमारी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। भारी मात्रा में कैसे बरामद हुई और कितने इसकी कीमत है? कुछ समय से हमको जानकारी मिली थी कि यहाँ पर जो बगवाड़ा मंडी है उस क्षेत्र से कुछ लोग शराब बेच रहे हैं, उसको फर्दर डेवलप एसओजी के माध्यम से कराया गया तो हमने देखा कि वहाँ पर एक राकेश जैन साहब का जो गोडाउन है उसमें लगभग 3875 जो है पेटी शराब जो है वहाँ पर रखी हुई है और उसमें से 1600 पेटी जो है आपका अलग अलग ब्रांड के जो है, तीन ब्रांड के वहाँ पर शराब रखी हुई थी। उसी प्रकार से 2275 पेटी जो है बियर वहाँ हमने बरामद किया है, जिनका पूरा जो ओपन मार्केट में लगभग 1.5 करोड़ रुपये की जो है इसकी कीमत आंकी जा रही है। इसमें एक अभियुक्त जो है रवि सिंह, ये आपका जो है नवाबगंज भेड़ी का रहने वाला है, उसको पकड़ा गया है। उसके घर से भी जो है ये 8 पेटी यही सेम ब्रांड का जो है अवैध शराब बरामद की गई है। एक रामेश्वर हवेलिया हैं देहरादून के रहने वाले, ये कुआं वाला हर्रा वाला के रहने वाला है, ये इसमें वांटेड है और इसके द्वारा ही ये जो गोडाउन है 2016 में इन्होंने किराए पर लिया था और ये शराब जो 2016 से रखे जाने की जानकारियाँ प्राप्त हो रही है। इसकी संभावना प्रबल है कि ये जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं उस समय शराब को निकाल करके उसका इस्तेमाल करते, लेकिन इससे पहले पुलिस को जानकारी भी तो हमने ये बरामद करी है और बहुत कमेंडेबल जॉब काम हमारे एसओजी ने किया है। उस पूरी टीम को 2,500 के इनाम जो है मैं उसकी घोषणा करता हूं। ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज उत्तराखंड।